प्रियंका गांधी आ रहे हैं, उनको ऑफिस वेयरर की रूप से भी देखा जाएगा एआईसीसी के, और ऊपर से इस प्रदेश में वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी आ रहे हैं सर, तो आपको क्या कहना है, क्या मानना है? राजनीति में सभी राजनीतिक दल अपने अपने जो तीर तरकस में थे उनको छोड़ रहे हैं। अब कौन सा तीर किसका कितने निशाने पर लगेगा और उसे वो क्या हासिल करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जंग अभी ज़बरदस्त हो रही है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, महागठबंधन हो, जो भी नाम दे उनको, लेकिन हाँ संग्राम महाभीषण होगा, परिणाम चाहे जो होगा, लेकिन जो भी हो इस राजनीति के दंगल में राष्ट्र का मंगल होना चाहिए, इस तरह की सोच देश की हो, ऐसी एक परिपक्व सोच की मैं कामना करता हूँ। सर, राहुल गांधी ने रायबरेली पे, उसके अभी मोदी जी जाते हैं वहाँ नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, पंजाब में हिंदू सिख लड़े, गुजरात में यूपी लोग लड़े, तो ये देश में नफरत से नहीं चल सकता, और बोला है कि चौकीदार चोर है फिर से। तो देखो, राजनीति के नारों का मकसद कभी भी पूरा यथार्थ नहीं होता है। राजनीति में नारे इसलिए दिए जाते हैं कि उससे एक अपने फेवर में एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, देश का एक अपना स्वभाव है, उस स्वभाव से देश आगे बढ़ता है। हाँ, राजनेता लोग अपने अपनी मंशा को, अपने अपने विचारधारा, अपने सिद्धांतों को वो नारों के माध्यम से प्रचार करते हैं, कौन कितना कामयाब होगा। अब देश के लोग काफ़ी जागरूक हुए और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कुछ सिर्फ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, आपस में बढ़ाना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण यदि नहीं हुआ तो आने वाला हमारा भारत का भविष्य अंधकार में होगा। मैंने 50 सालों से अपनी आंखों से भारत को देखा और 70 सालों में भारत की आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। मैंने जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारी आबादी 30 से 35 करोड़ थी, आज हम 125 करोड़ के पार, 130 करोड़ के पार जाकर के खड़े हुए हैं। मुझे 50 से 70 साल इस देश के लिए काम करना और अपनी आंखों से मुझे एक बहुत सुंदर भारत देखना है। यदि आज हम नहीं संभले तो भारत की आबादी 250 से 300 करोड़ होगी, उस आबादी को संभालने के लिए भारत तैयार नहीं है। ना तो उतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, ना उतने हमारे पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उतना ना हॉस्पिटल हैं, ना इतने नागरिकों को खिलाने के लिए हमारे पास अन्न है, कैसे हमारा देश बचेगा। इसलिए आज हमने नहीं सोचा तो 50, 60, 70 सालों के बाद का भारत बहुत भयावह होगा। मैं इस देश का एक सन्यासी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैंने देश के लिए जीवन को जिया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारत को मैं विश्व की महाशक्ति देखना चाहता हूँ। यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो देश में ये बहुत बड़ा विस्फोटक होगा, माने एक युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी भारत की। इसलिए मैंने कहा हम दो, हमारे दो और सबके दो, इसमें कोई जाति, कोई मजहब और कोई राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसके लिए कानून क्यों नहीं बना सकते देश के अंदर कि दो से ज़्यादा जो बच्चा पैदा करेगा उसको वोटिंग राइट नहीं होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी जॉब उसको नहीं लगेगी और सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? हम यदि कोई करेक्टिव इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा।